हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं डोसा के साथ सर्व किए जाने वाली आलू मसाले की रेसिपी शेयर करूंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। आलू मसाला बनाने के लिए इधर सबसे पहले कढ़ाई में 3 टेबल स्पून ऑयल डाल देंगे। आप कोई भी ऑयल ले सकते हैं, कोकोनट ऑयल भी ले सकते हैं, या तो चाहे तो आप घी भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें 1/2 टीस्पून राई डाल देंगे। राई जब हल्का सा फूटने लगे तभी इसमें हींग ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून। अभी इसमें 8 से 10 कड़ी पत्ता डाल देंगे। मैंने इधर 1 टेबल स्पून के करीब चॉप किया हुआ लहसुन ऐड किया है। आप लहसुन को चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन लहसुन से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। और इधर मैंने 2 चॉप किया हुआ हरी मिर्ची भी डाल दिया है। हरी मिर्ची आप अपने स्वाद के अकॉर्डिंग डालें। तो इसको 1 मिनट के लिए हल्का सा फ्राई कर लेंगे। लहसुन को जलाना नहीं है, बस हल्का सा फ्राई कर लेना है। अभी इसमें 1 मीडियम साइज़ के इस तरीके से स्लाइस किया हुआ प्याज डाल देंगे। अगर आप प्याज नहीं खाते हैं तो आप चॉप किया हुआ अदरक यूज़ कर सकते हैं। अभी इस प्याज को फ्राई कर लेंगे। इसको डार्क ब्राउन फ्राई नहीं करना है, बस हल्का सा ट्रांसपेरेंट हो जाए तब तक फ्राई करना है। तो देखिए ये हल्का सा फ्राई हो चुका है। अभी इसमें 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे। एक बार मिला लेंगे इसको। मैंने आलू को पहले से बॉईल करके छील के रख दिया था, तो मैंने इधर मीडियम साइज के 5 आलू ऐड किया है। आलू को इस तरीके से तोड़ के इसमें ऐड कर देंगे। छोटे छोटे टुकड़े भी रहना चाहिए, पूरा स्मैश नहीं करना है। तो इस तरीके से आलू को तोड़ तोड़ के डाल देंगे। अभी इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। और इधर मैंने डाला है 1/2 नींबू का रस। अगर आपको खट्टा स्वाद पसंद है तो आप नींबू का रस ज़रूर ऐड करें, इससे स्वाद बहुत अच्छा आता है। अभी इसको अच्छे से चला लेंगे। बहुत ज़्यादा इसको कुक करना नहीं है, बस 2 से 3 मिनट हल्का सा फ्राई कर लेंगे। और देखिए जो आलू के थोड़े बड़े टुकड़े हैं उसको मैं काट रही हूँ। आप करछी से चाहे तो स्मैश कर दीजिए इस तरीके से। बस इसको सारे मसाले को एक साथ मिला लेना है और गैस को बंद करके इसको साइड में रख देंगे। और डोसे के अंदर जो मसाला आलू रहता है तो वही रेसिपी मैंने शेयर किया है। बहुत ही परफेक्ट रेसिपी है, आप ज़रूर ट्राई करें। अगर रेसिपी पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। मिलेंगे एक नए रेसिपी के साथ। थैंक यू।